सिलीगुड़ी का मौसम हुआ सुहाना और कुछ फन करने का चाहिए बहाना, तो खबर समय की टीम आपके लिए इस प्रॉब्लम का एक अच्छा सा सलूशन लेके आई है। नमस्कार, मैं हूँ केवल तामंग एंड वेलकम टू सेवन किंगडम। अम्यूजमेंट पार्क, मूवी थिएटर, फूड कोर्ट, रेक्लाइनर्स, बाप रे बाप, इतनी सारी चीज़ें हैं जिसकी आप बुकिंग ऑनलाइन भी कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन काउंटर से भी कर सकते हैं। मूवी थिएटर्स, अम्यूजमेंट पार्क, तो अगर आप यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ वीकेंड प्लान के लिए आए हैं या फिर फैमिली आउटिंग के लिए आए हैं, तो आपको फैसिलिटीज ऐसी भी मिलने वाली है जिसको देखकर आप चकरा जाएंगे, क्योंकि मेरे बाजू में है फूड कोर्ट और यहाँ पर है लॉकअप फैसिलिटीज, यहाँ पर शू एंड लगेज कलेक्शन सेंटर है। आपके साथ सिक्योरिटी का हमेशा ध्यान रखा जाता है, इसीलिए यहाँ पर इमरजेंसी फैसिलिटीज भी यहाँ पर हैं। आपको असिस्ट किया जाएगा, हमेशा आपके साथ रहा जाएगा, क्योंकि आपके फन में कोई रोक नहीं आनी चाहिए। बच्चों के लिए हो बेबी पूल या फिर बड़ों के लिए हो रेन डांस, यहाँ पर सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। बच्चों के लिए राइड से लेकर बड़ों के लिए स्लाइड्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर। सो कम एंड एंजॉय एट दिस प्लेस। आप देख सकते हैं फैमिली भी मजे ले रही है, हम भी यहाँ मजे करने आए हैं। इनसे पूछ लेते हैं इनको कैसा लग रहा है। Very good arrangement. Clean है, बच्चे के साथ अच्छा लग रहा है। सुबह से फन करें, कितने बजे से हैं आप? हम नहीं, सुबह नहीं, हम 11:30 में हैं। धूप अभी दिख रही है तो पानी में तो मजा ही आ रहा होगा। मजा ही आ रहा होगा। कैसा लग रहा है बच्चा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। अकेले आए हो फ्रेंड्स के साथ आए हो? फैमिली के साथ? अकेले, फैमिली के साथ। कौन सी राइड, कौन सा राइड अच्छा लग रहा है? ये राइड अच्छा लग रहा है। यहाँ पर क्या मजा आ रहा है? यहाँ पर मैं स्लाइड में जा रहा हूँ, मुझे मेरे अंकल कैच कर रहे हैं इसलिए। अच्छा, चलो हैव फन। तो आप देख सकते हैं फैमिली में मजे ले रही है, बच्चे भी मजे ले रहे हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट साइड की तरफ। वाटर पार्क की बात हो और वेव की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर वेव्स भी अवेलेबल है। जब हम बात करते हैं वाटर पार्क की, तो रेन डांस को कैसे भूल सकते हैं। लाउड म्यूजिक और अमेजिंग वाटर डांसिंग स्पेस के साथ सेवन किंगडम ने हमें तो यहाँ मस्ती से झूमने में मजबूर कर दिया। रेन डांस में थिरकने के बाद हम फिर पहुंचे वाटर स्लाइड्स की ओर। वाटर पार्क में वेव्स, रेन डांस करने के बाद अब मैं पहुंच चुका हूं स्लाइड्स कॉर्नर पे, क्योंकि यहां इतने सारे स्लाइड्स हैं, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा कौन सा करूं। तो बच्चों से भी पूछ लेते हैं इनको कैसा लग रहा है। कितनी बार कर चुकी हो स्लाइड? 6-7 बार। बहुत मजा आ रहा है। हाँ। और करोगे? हाँ। कब तक रहने का प्लान है? 3-4 बजे। बाकी राइड्स भी तो देखो, एक ही राइड में क्यों? हमने किया, हम लोग सब लोग कर लिए सारे राइड्स। ज़िपलाइनिंग भी करोगे? वाटर पार्क में मजा आ रहा है? बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। बहुत अच्छा है ये राइड और बाकी राइड भी, बहुत मजा आ रहा है। मैं दोस्तों के साथ आया हूं। किसके साथ? दोस्तों से साथ और परिवार के साथ, मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने हैं। थैंक यू। सो आप देख सकते हैं बर्थडे पे भी यहां पर लोग आके फुल एंजॉय कर रहे हैं, फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ। वाटर पार्क में एंजॉय करने के बाद अब मैं पहुंच चुका हूं जिप लाइनिंग में। मैं काफी देर से इसको देख रहा था, मुझे बहुत करने का मन था। यहाँ पर सेफ्टी का पूरे अच्छे से ध्यान दिया हुआ है, लोग यहाँ पर हार्नेस लगा के ही जिप लाइनिंग कर सकते हैं। यहाँ पर
हेलमेट का मस्ट है, हेलमेट आपको लगाना ही पड़ेगा। यहाँ पर जो सिक्योरिटी हमारे साथ बैठी हुई है वो भी काफ़ी ट्रेन प्रोफेशनल हैं, ये काफ़ी सालों से कर रहे हैं, उनको पता है कि सेफ्टी का कैसे ध्यान रखा जाना चाहिए। तो अभी मैं जाऊँगा, अपना हार्नेस लगाऊंगा और जिप लाइनिंग करूँगा। तो आप देख सकते हैं सेफ्टी का कितना ध्यान रखा जा रहा है। मैं अभी फिलहाल करने वाला हूँ जिप लाइनिंग, और यार तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। तो आप भी किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, जल्दी आइए सेवन किंगडम में और इन्जॉय कीजिए वाटर पार्क, जिप लाइन और वेरियस आउटडोर एक्टिविटीज। तो आप देख ही सकते हैं सिक्योरिटी का कितना ध्यान दिया जा रहा है। मुझे हेलमेट भी पहनाने वाले हैं, और अभी मैं करने वाला हूँ जिप लाइनिंग। जिप लाइनिंग कहाँ कर रहा हूँ, सेवन किंगडम पे। आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। और सेवन किंगडम का मैं आपको एड्रेस भी बताना चाहूँगा, दार्जिलिंग मोड़ से थोड़ा आगे आने के बाद बाबा लोकनाथ मंदिर के बिल्कुल ऑपोजिट दागापुर में है सेवन किंगडम। सो व्हाई आर यू वेटिंग, जस्ट कम। तो मैं तो रेडी हूँ, प्रोटेक्टिव गेयर, हार्नेस, एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, और मैं तुम इन्जॉय करने वाला हूँ। आप अभी भी वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखिए और फटाक से आ जाइए सेवन किंगडम में। अब दिन भर फन करने के बाद भी अभी भी राइड्स बचे हुए हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कौन सा करूँ। इतने सारे राइड्स हैं और सब में इतना मज़ा आया है। वाटर पार्क में मज़ा किया, जिप लाइनिंग में मज़ा किया, और अभी इसके बाद अब भूख तो बहुत ज़ोर की लगी है। तो मैं पहुंच चुका हूं इनके फूड कोर्ट में, और यहां फूड कोर्ट पे इतने वैरायटीज़ के खाने हैं और इतना क्लीनली ये बनाते हैं कि मैं तो अपना फूड इन्जॉय करने वाला हूं। तो आप देख सकते हैं बड़े हो या बूढ़े हो या बच्चे हो, सबके सब यहाँ पर इन्जॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर अभी फूड कोर्ट में हम हैं, जहाँ पर लोग फूड इन्जॉय कर रहे हैं, और यहाँ पर हम बच्चों से थोड़ा बात करेंगे इनको कैसा लग रहा है। और मस्ती हो गई? हाँ, कैसा लग? बहुत अच्छा। अभी सारे राइड्स कर लिए? हाँ। अभी फूड हाँ? क्या खाने वाले हैं कोर्ट से? क्या खाने वाले हैं फूड कोर्ट से? पॉपकॉर्न, पानी। कुछ लोग बैठे हैं जो यहाँ फूड कोर्ट में अपना खाना का वेट कर रहे हैं, और इनको तो बड़ा मज़ा आ रहा है। मैं इनसे ही पूछ लेता हूँ कि इन्होंने क्या ऑर्डर किया। आपने क्या ऑर्डर किया? ऑर्डर है आलू परोठे किया। और कैसा लग रहा है अभी? यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, काफ़ी सारे राइड्स में आपने? हाँ हाँ, पानी वानी में बहुत अच्छा है, स्विमिंग करने में मज़ा आ रहा है, इधर बच्चे खेल रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज अभी मेरे साथ एक छोटी सी बच्ची है, वो बहुत इन्जॉय कर रही है। हम उनसे भी पूछ लेते हैं कि उनको कैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है बच्चे के साथ। बच्चे को जी आपको कैसा लग रहा है बताओ? अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है ना? बोलो। फिलहाल आपको बताना चाहूँगा कि खबर समय की टीम पहुँची है सेवन किंगडम में। जी हाँ, सेवन किंगडम जो कि नॉर्थ बंगाल का ओनली एंड द बेस्ट वाटर पार्क है। यहाँ पर आप राइड्स का मज़ा ले सकते हैं, वाटर पार्क का मज़ा ले सकते हैं, जिप लाइनिंग का मज़ा ले सकते हैं, आर्चरी का मज़ा ले सकते हैं। यहाँ रेक्लाइनर्स भी हैं, फूड कोर्ट तो इतना अच्छा है और खाना इतना स्वादिष्ट है, आप आएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। और जैसे हमने अभी आपको दिखाया कि यहाँ पर वाटर पार्क में बेबी पूल है, वेव है, रेन डांस है, 3 different slides हैं, और जिप लाइनिंग तो अभी आपने देखी होगी फिलहाल। तो आपको मैं फिर से बताना चाहूँगा कि ये जो सेवन किंगडम है वो दार्जिलिंग मोड़ से थोड़ा आगे दागापुर में बाबा लोकनाथ मंदिर के बिल्कुल ऑपोजिट है। तो अगर आप अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग साइकिलिंग को भी इंजॉय कर रहे हैं। वाटर पार्क के साथ अगर साइकिलिंग भी आ जाए मज़ा आ जाएगा। और यहाँ पर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ट्रैम्पोलिन, साइकिलिंग, वाटर पूल सब कुछ है। और यहाँ पर आर्चरी भी है जिसको हम आपको दिखाने वाले हैं। पीछे आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए भी बहुत फन एरिया है, लोग यहाँ पर बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, बच्चों से लेकर बूढ़े सब। तो वाटर पार्क में फुल ऑन मस्ती करने के बाद मैं पहुँच चुका हूँ अम्यूज़मेंट पार्क में। यहाँ पर इतने सारे राइड्स हैं, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा कौन सा राइड करूँ। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आने वाला है, अगर आपको भी मज़ा आएगा तो आप ज़रूर पहुँच जाइए सेवन किंगडम में। तो चलिए अम्यूजमेंट पार्क देख। तो मेरे साथ अभी मौजूद हैं संजीव मजूमदार जो कि यहाँ पर राइड्स मैनेज करते हैं। ये मुझे बताने वाले हैं कि यहाँ पर कौन कौन से राइड्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। देखिए, ये तो फिलहाल अभी चल रहा है जंपिंग फ्रॉग, उसका बाद इसका राइड करेगा आदमी लोग आए हैं, जंपिंग फ्रॉग चल रहा है, उसका बाद होगा आपका स्काई ट्रेन, और ये होगा ब्रेक डांस होगा, बम्पिंग कार होगा,
मैजिक लैडर होगा और ऐसे अपने ये सब चलता है। गो कार्ट भी हम लोग का है, चलता है ये सब। राइड्स में सेफ्टी का कितना ध्यान दे रहे हैं? हाँ सेफ्टी है हम लोग को पास। हाँ सेफ्टी, हाँ सेफ्टी करके राइड चलता है हम लोग। हाँ 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 प्रॉपर स्टाफ है हम लोग, वो अपना ध्यान कस्टमर को ध्यान दे के हम लोग चलाते हैं, बढ़िया करके चलाते हैं हम लोग। जितना सेफ्टी हो सके हम लोग सेफ्टी कर रहे हैं। तो संजीव जी ने जैसे बताया कि यहाँ पर बहुत सारे राइड्स अवेलेबल हैं, उनमें से एक है बम्पी राइड। तो मैं अभी बम्पी राइड करने वाला हूँ और मेरे साथ जितने भी यहाँ लोग हैं वो इसको एंजॉय करने वाले हैं। आप देख ही सकते हैं लोग रेडी हो गए हैं इस राइड को एंजॉय करने के लिए। तो अभी मैं फिलहाल बम्पी राइड एंजॉय कर रहा हूँ, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। यहाँ बाकी लोग भी काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। तो फिलहाल मैंने किया अभी बम्पी राइड, इसके बाद मैं बाकी यहाँ पर बाकी राइड्स भी करने वाला हूँ। इसके बाद मैं जा रहा हूँ स्काई ट्रेन में, तो चले चलते हैं। तो बम्पी राइड के बाद मैं आ चुका हूँ स्काई ट्रेन में और ये स्काई ट्रेन पूरे अम्यूजमेंट पार्क का एक चक्कर लगा के वापस आने वाला है, तो चलिए चलते हैं। तो फिलहाल मेरे साथ एक फैमिली है जो कि तमिलनाडु से आई है स्पेशली इस राइड का मजा लेने के लिए, इस पार्क का मजा लेने के लिए। तो आप कहाँ से आए हैं? मैं तमिलनाडु आई हूँ, मेरा बेटी स्पीच हो। आप कहाँ से आए हैं? तमिलनाडु से। अच्छा, यहाँ पे कैसा लग रहा है आज? अच्छा लग रहा है। सारे राइड्स किए, वाटर पार्क? हाँ अभी करने जाएंगे हम लोग। तो कैसा लग रहा है? अच्छा चला इसके बारे में? नहीं, हम डिफेंस में है मेरे पापा। ओके, तो कैसा लगा आपको? अच्छा लग रहा है यहाँ पर, सारे राइड्स मजा आ रहे हैं। हाँ मजा आ रहा है। बोलिए बोलिए। हाँ अभी तक तो हम लोग दो राइडें घूमे हैं, अभी और घूमेंगे। सो फिलहाल अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं ब्रेक डांस। यहाँ पर तमिलनाडु की एक फैमिली है जो कि नॉर्थ बंगाल्स लार्जेस्ट वाटर पार्क में और अम्यूजमेंट पार्क में यहाँ राइड का मजा लेने आए हैं, तो देखिए। तो मैं अब पहुंच चुका हूं गो कार्टिंग जोन में। जी हाँ, सेवन किंगडम गो कार्टिंग भी प्रोवाइड करता है। तो आप देख सकते हैं गो कार्टिंग रिंक और मैं अभी राइड करने वाला हूं, काफ़ी मज़ा आने वाला है। और जो भी यहां पर ऑफ रोड लवर्स हैं सिलीगुड़ी में या सिलीगुड़ी से बाहर से जो आने वाले जो भी ऑफ रोड लवर्स हैं, मैं आप उनको बताना चाहूँगा कि सेवन किंगडम गो कार्टिंग भी प्रोवाइड करता है। सेवन किंगडम जो कि दार्जिलिंग मोड़ से आगे बाबा लोकनाथ मंदिर के बिल्कुल ऑपोजिट दागापुर में सिचुएटेड है, इसमें हम करने वाले हैं गो कार्टिंग। मैं तो अब गो कार्टिंग करने वाला हूँ, सेफ्टी के लिए मैंने प्रोटेक्टिव हेलमेट पहन लिया है और काफ़ी मज़ा आने वाला है। ये पूरा राउंड में लगाने वाला हूँ, आप देख सकते हैं मैं गो कार्टिंग करने के लिए तैयार हूँ, मैंने अपना प्रोटेक्टिव गियर लगा लिया है। तो हम कह सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट अट्रैक्शन है आपके अम्यूजमेंट पार्क। हाँ बहुत अट्रैक्शन है, ये करता है हम लोग को मैजिक ग्लाइडर जो बोलते हैं, जो कस्टमर आते हैं पहले ये कर लीजिए, बहुत आपको मन में फुर्ती आएगा, बहुत मज़ा आएगा, देखने भी लायक है और बहुत अच्छा लगता है, कस्टमर भी बहुत अच्छा खुश हो के जाता है। तो सेवन किंगडम रेक्लाइनर्स किड्स के लिए प्ले एरिया और बड़ों के लिए स्नूकर टेबल भी प्रोवाइड करता है, तो आइए देखते हैं इनके बारे में। वाटर पार्क अम्यूजमेंट पार्क के अलावा यहाँ पर मूवी थिएटर भी है जहाँ पर आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर मूवी भी इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आप बुकिंग कर सकते हैं इनके मेन पेज वेबसाइट से जो है www.
www.7kingdom.com और यहाँ पर अगर आप मूवीज के बीच में स्नैक्स भी इंजॉय करना चाहते हैं तो यहाँ पर स्नैक्स भी अवेलेबल हैं। तो फिलहाल मेरे साथ अभी मौजूद हैं मिस्टर शुदीप्तो जो हमें इस कार्निवल के बारे में और थोड़ा डिटेल में बताएंगे। जी शुदीप्तो जी, थैंक यू फॉर द कन्वेंट जी। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे अभी चार ऑडी है, 3D, 4D एंड 1D एंड वी हैव 1 मल्टीप्लेक्स एंड वी हैव 1 कैश काउंटर विद द आउटसोर्स वेंडर, 2 आउटसोर्स वेंडर। यहाँ पे आपको मैगी एंड वाई एवरीथिंग इज देयर, आइस क्रीम्स काउंटर, सैंडविच एंड टिक्की चाट ऑल्सो इज देयर, सो मेनी स्नैक्स इज देयर एक्चुअली। एंड वी हैव पॉपकॉर्न, टी, कॉफी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, नाचोस यू कैन डन ऑल्सो। And we have, you can book the ticket online, book my show, otherwise we have a box office in our ground and stuff. सेवन किंगडम जो कि दार्जिलिंग मोड़ से ठीक पास बाबा लोकनाथ मंदिर के ऑपोजिट सिचुएटेड है, यहाँ पर आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आकर इंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ यहाँ पर आकर फन करना चाहते हैं तो आ जाइए तुरंत सेवन